ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मी तयोः श्रित्वा प्रणमामि महो। नमः श्री अधिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापः। So, Sri Ramakrishna, he went to Kamarpukur, क्योंकि उनका इतना बढ़ गया था, सब सोचे तो क्या हो गया, and they thought that because थोड़ा अपना घर जाके आए तो अच्छा होगा। का माता भी उनका बहुत प्रयास किया शादी वादी करवाने के लिए, nothing was happening, finally he himself said, अरे आप इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ के लिए चिन्हित करके रखा है। सो दे वेंट एंड देन इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज मैरिड। द ब्राइड वॉज अबाउट 5+ एंड द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वॉज 23। सो कैन इमेजिन वॉट काइंड ऑफ अ मैरिज इट वॉज। इट वॉज लाइक अ प्ले। देन ही केम बैक, तो वापस जैसे ही आया जैसे कि वैसे अगेन उनका the divine madness again persisted, because you see, you know, in times of the passage of time and all that, when you now some 150 years or close to 200 years later you are trying to study and understand this life, this personality, unhone kya kiya, kyun kiya, kaise kiya. So obviously you can imagine how strange and क्या उन लोग का क्या समझ में आया था जिन लोग वहाँ साथ में थे, how they could understand? Supposing मान लीजिए हम लोग का बीच में कोई ऐसा व्यक्ति कोई आ जाए, वो सिर्फ भगवान छोड़ के कुछ नहीं जानते, we can't even comprehend what the person is up to। हम लोग तो सीधा ही बताएंगे वो तो पागल है, is it not? Naturally they were also thinking like that। ऐसे फिर गया, देन यू नो अगेन ही वाज सेइंग शोइंग हिम टू द ग्रेट डॉक्टर्स कविराज इज वगैरह, नोबडी वाज एबल टू से एनीथिंग, बट यू नो वन फिजिशियन फ्रॉम ईस्ट बंगाल, वो उनको देख के बोल दिया था पहली बार, नो ये कोई साधारण कोई बीमारी नहीं है, ये तो भगवत भाव से through divine ecstasy he is experiencing this, so it is yogic condition and is not curable by medication, koi dawai se theek nahi hoga kyunki ye to alag cheez hai, koi aisa koi divya unmadana, divine intoxication, divine madness, so you know even in those days also there are people, वो तो कविराज थे, वॉज अ फिजिशियन, वॉज नॉट अ ग्रेट साधक आर एनीथिंग, बट हाउ यू कुड क्लियरली सी दैट दिस इज नॉट टू डू एनीथिंग विद मेडिसिन और मेडिकल साइंस, ये अलग है, वो देखिए पहचान लिया। तो रामकृष्ण वॉज सेइंग रियली सेज दिस इज द फर्स्ट पर्सन एंड हुम यू कुड रियली डायग्नोज माई डिसीज और माई कंडीशन प्रॉपरली एंड से अकॉर्डिंगली, तो बोला। इधर तो नेचुरली फिर कमा पुकर में जब संवाद पहुंचा, वो तो जैसे वैसे कुछ नहीं खा रहे नहीं पी रहे, उनका कोई नींद नहीं है कुछ नहीं है, सो नेचुरली मदर बिकेम वेरी एंग्शियस, एंड देन तो देर इज कमाल पुकुर में वो शिव मंदिर से ही तो उनका एक तरह यू कैन से दैट वाज रामकृष्ण ओरिजिन। जब श्रीराम गया धाम गए थे, यहाँ तो चंद्रमणि हो शिव मंदिर में प्रार्थना करते करते उनका जो अनुभूति हुआ, वहाँ से एक दिव्य ज्योति उनका उधर में प्रवेश किया, सो शी न्यू दैट इट वॉज अ वेरी वंडरफुल टेम्पल विद ग्रेट एटमोसफियर, वो तो जागृत देवता समझती थी, तो उसलिए वो गया वहाँ जाके प्रायोपवेश, उसमें ऐसी भी होते थे हत्या देना, जाके जमीन पे
लेटते थे, जब तक मेरा इसका कोई समाधान निकलता है तब तक मैं ऐसे पड़ा रहूँगा, मर जाऊँगा जरूरत है इतना। क्योंकि वो दिख रहा है कोई धरती पे किसी किसी तरह किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं निकल, नथिंग इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। तो उन्हें किया मैं ऐसा कुछ करो ताकि मैं तो शरीर भी जाए तो जाए, देन बट आई विल रियली सी द एंड ऑफ इट, इसका कुछ मैं देख लूँगा। सो देन यू नो वहाँ से उनका संदेश मिला, योर डिजायर विल बी फुलफिल्ड इफ यू अंडरटेक द वो फास्टिंग एंड प्रेयर टू द शिवा मुकुंदपुर। ऐसा कोई दूसरा शिव जी के वहाँ से उनको नाम मिला, वहाँ वो चले गए। दैट्स हाउ यू नो समटाइम्स दिस हाउ दिस दे बिकम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। बाद में बहुत लोग एक घटना सुन के वहाँ जाने लगे, अदर पीपल आर नॉट गोइंग, मे बी दिस शिवा वॉन्टेड दैट मुकुंदपुर शिवा टू बिकम पॉपुलर। श्री उन्होंने ऐसे ही कोई संदेश दे दिया, अरे तुम वहाँ जाके वहाँ प्रयास करो, हो जाए मंजूर हो जाएगा तुम्हारा प्रार्थना। तो चंद्रा न्यू दिस, नो वन हैड इवन बिफोर अंडरटेकन सच ए फास्ट, पहले ऐसा कोई नहीं किया था, लेकिन जैसे उनका आदेश मिला तो वहाँ चले गए। दो तीन दिन वहाँ ऐसे करने के बाद सपने में उन्होंने देखा ए सिल्वर वाइट फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा बेडेक विथ शाइनिंग मैटेड हेयर एंड वेयरिंग ए टाइगर स्किन अपियर्ड बिफोर हर एंड कंसोल्ड हर सेइंग डोंट बी अफ्रेड योर सन इज नॉट मैड ही इज इन द स्टेट बिकॉज ही इज सो पावरफुली पोसेस्ड बाय गॉड। ऐसे उनका सपना में ऐसे एक दिव्य आलोक देख पा रहे थे, शिव जी के दर्शन हुआ, बोला तुम्हारा लड़का कोई बीमारी कुछ नहीं है, भगवान को इतना जोर से पकड़ाया उसी से वो ऐसे अनुभव करे बिकॉज ऑफ दैट इज पोसेस्ड बाय गॉड इज इन द स्टेट। सो भगवान के तो आदेश मिल ही गया, सो शी बिकेम कंसोल्ड तार, लेकिन वापस आ गए, आके फिर जोर से उन्होंने अपना रघुवीर शीतला सेवा में लग गए ताकि सो दैट दे उसका सेवा से हमेशा होता है कम से कम वो तो और कुछ पार्थिव कुछ नहीं मांग रहे थे। शी वॉज नॉट आस्किंग दैट हर सन शुड बिकम रिच और यू शुड गेट ए जॉब और यू शुड गेट नथिंग, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे वो ऐसे इतना तक उन्होंने प्रार्थना करके बहुत सेवा करने लगे। वी हर्ड फ्रॉम देम ऑन मेनी पीपल हैव अंडरटेकन द फास्टिंग वाउ बिफोर द शिवा मुकुंदपुर, उनके अपने अपने इच्छा पूर्ण कर पाया ऐसे कोई व्रत लेके। सो ठाकुर बाद में बता देते हैं उस समय का, एन ऑर्डिनरी मैन could not have borne a quarter of that tremendous spiritual fervor, it would have burnt him up. से चार भाग में एक भाग में कोई साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर पाता था, पूरा जल जाता था इतना उसके अंदर आग। I could forget my indescribable pangs only by seeing the mother in some form or other for the greater part of the day and night. दिन रात जब तक माँ को किसी ना किसी रूप में मैं देख पाता था तब मेरा थोड़ा शांत होना संभव होता था, इतना नहीं तो इतना विचलित हो जाते थे, बहुत ही उनका तकलीफ होता था। अदरवाइज दिस बॉडी कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड, आई हैड नो स्लीप एट ऑल फॉर सिक्स लॉन्ग ईयर्स, छः साल बिल्कुल नींद नहीं था, दो दिन में तो बिल्कुल हम लोग का पागल ही हो जाएंगे। सी पीपल मोस्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आई थिंक ए मेजर पार्ट ऑफ अवर लाइफ गोज इन स्लीप, नींद में तो ज़्यादा समय जा रहा है। सो इफ यू कैन नॉट स्लीप फॉर टू डेज यू विल बी गॉन कम्प्लीटली। इसलिए क्या है कोई आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, पहले आपका अच्छा सोने के लिए नींद के लिए तो दवाई देते हैं, मोस्टली दे गिव यू मेडिसिन सो यू कैन स्लीप, वही देते हैं ना। सो इतना इम्पॉर्टेंट है, छः साल बिल्कुल बिना निद्रा ऐसे बिताया उन्होंने। माई आईज लॉस्ट द एबिलिटी टू ब्लिंक,
आंख बंद नहीं कर पाते थे. डिस्पाइट रिपीटेड एफर्ट्स आई कुड नॉट क्लोज माई आईलिड्स. ऐसे कोई बंद करना बिल्कुल संभव नहीं था. आई हैड नो आइडिया ऑफ टाइम. आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट दैट आई नीडेड टू मेंटेन माय बॉडी. शरीर का रखना है वही ध्यान मेरा दिमाग से निकल गया. हम लोग का देखिए साधन क्या करते थे. मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डे वी टेंड टू द बॉडी. वो शरीर की तरह नज़र देते 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 दिन निकल जाता है ना. ये करना है वही करना है यही लेना है यही दवाई है यही पहनना है यही खाना है. ऑल द टाइम इट गोस. बट हियर इज अ पर्सन बट कम्प्लीटली लॉस्ट द आइडिया. ये शरीर का पालना जरूरत है वही भूल गए. बिल्कुल चला गया उनका मन से. When at rare intervals, my attention will fall in the body a little. I was frightened by his condition. I thought, am I on the verge of insanity? कभी कभी उनका खुद का शरीर पर ध्यान आता था. क्या हो गया? देख नहीं पाते थे खुद ही. इतना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हड्डी है, खाना नहीं है, निद्रा नहीं है. ये क्या, मैं क्या क्या पागल हो रहा हूँ क्या? Standing in front of a mirror, I tried to close my eyelids with my fingers and I could not. ऐसे जबरदस्ती बंद करना कोशिश किया, वो भी हो नहीं पाया, हो नहीं पाया. Mother, is this the result of praying and wholly surrendering myself to you? Now you have given me this terrible disease. आपका मैं इतना प्रार्थना किया, इतना माना, सब कुछ आपके लिए छोड़ा, मेरे आप ऐसे हाल कर दिया. यू वॉज लाइक ए स्मॉल चाइल्ड, यू वॉज सो इनोसेंट. क्या हो गया मेरा? नाउ यू हैव गिवन मी दिस टेरिबल डिजीज. बट द नेक्स्ट मोमेंट आई वुड से, लेट इट बी एज यू विश. लेट दिस बॉडी गो टू पीसेस बट डोंट लीव मी. रिवील योर सेल्फ टू मी. होने दो शरीर, मरने दो, जाने दो, कुछ भी नहीं. आप मेरे को मत छोड़ना. हमेशा मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रहें, वही मैं चाहता हूँ. बाकी सब बर्बाद हो, कुछ भी नहीं. रिवील योर सेल्फ. योर मर्सी बेस्ट ऑफ योर मर्सी एंड मी. हैव टेकन अ रेफ्यूज एट योर लोटस फीट. हैव नन एल्स बट यू. आप छोड़ के मेरा तो कोई भी नहीं है. आपका शरण में तो चरण में हमें शरण लिया. आप मेरा रक्षा करो. I would shed tears, then suddenly be filled with ecstasy. I would feel my body to be a trifling thing. I was comforted when I saw the mother and heard her reassuring voice. क्योंकि उनका ये सब चीज लोग बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, समझना संभव भी नहीं है. क्योंकि बहुत जो जिन्होंने बहुत ही गहराई से साधन किया, वही जो कि साधारण व्यक्तियों का समझना संभव ही नहीं. मतलब थोड़ा कुछ अंदाज कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इसे ऐसी बहुत रोया में, अब शेडिंग टीयर्स करते करते अचानक ऐसे मन में एक आनंद में भर जाता था. क्यों? किसी ना किसी प्रकार में माँ के हमेशा ही दर्शन कर पाता था. आई न्यू दैट मदर वॉज कॉन्स्टेंटली विथ मी. और बीच बीच में माँ के जो आशीर्वचन, उनकी अशरीरी वाणी भी वो सुन पाते थे. तो नेचुरली यू नो आई थिंक ऑल दीज आर ऑल जस्ट अ स्मॉल इंडिकेशन व्हाट इट इज टू डू साधन. साधन करना क्या है? हम लोग क्या है? खाके पीके सब करके, बैठ टिक करके, सब ताला चाबी देके, सब कुछ सब है. फिर आप 15 मिनट कुछ आया, कुछ पाठ सुना, बा मंदिर में बैठा, जो आरती देखा, दैट इज यू नो इतना संस्कार है. इसके अधिक कुछ नहीं. बट समवन ट्राइज टू डू अ लिटिल सीरियस साधना, आप प्रयास कीजिए, समझ पाएंगे. मैं भी प्रयास करता हूँ, सचमुच बोल रहा हूँ, मैं समझ पाता हूँ कितना कठिन है अपना संस्कार की हटाना. जितना आप मन में इच्छा है लेकिन शरीर यही नहीं दे रहा है,
साई नहीं दे रहा, कोऑपरेशन नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत आपका वही चाहिए, दृढ़ता चाहिए, ऐसे कोई रोक चाहिए, तब हाँ मैं करूँगा जो भी, शरीर जाने दो, ऐसे तब कर पाया। क्या माँ के दर्शन जैसे वैसे मिल गया उनका, सब कुछ छोड़ा। मान लीजिए 6 महीने आँख बंद नहीं हो रहा है, कल्पना भी नहीं कर पाएंगे हम लोग क्या स्थिति है। वॉट ही वेंट थ्रू वी कांट इवन इमेजिन। सो इफ समवन डस इवन ए लिटिल सीरियस साधना, ही और शी अलोन वुड अंडरस्टैंड वॉट इट इज, ऐसा क्या है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ उलट पलट हो जाएगा, तो देन नेचुरली हम लोग बहुत घबराहट आ जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो एवरीबडी अराउंड अस विल क्रिटिसाइज, आप क्या कर रहे हैं, क्या भगवान में छोड़ो या भगवान तुम संसार देखो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये सबको बीच में ऐसे जो लहर की विरुद्ध में तैरना, ऐसा इट्स नॉट सो ईजी। सो इसके लिए बहुत संस्कार चाहिए, प्रयास चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब कोई आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा उतर पाएंगे गहराई। ये तो 99.99% बहुत लोग तो इस दिशा में कोई नज़र ही नहीं है, नज़र हो जाए भी फिर भी हाँ ठीक है, थोड़ा आया तो कुछ सुना, बच्चे लगे, फिर बाकी दूसरे तीसरे काम में लग गए, सब हो गया, फिर एक दिन दो दिन तीन दिन पाँच जब भी थोड़ा अच्छा ठीक है थोड़ा ऐसा। बट टू डू इट डे आफ्टर डे रिलेंटलेसली विदाउट गिविंग अप, इतना बहुत ही एक दृढ़ता से हर रोज जो भी है, जो बाकी सब बर्बाद होने दो, ऐसे क्या हम बोल पाएंगे हम लोग, इज इट पॉसिबल फॉर अस, नो इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन क्यों ठाकुर का जीवन इस सब में इसके क्या महत्व है, कम से कम हम लोग समझ पाए, ऐसे भी करना संभव है। अभी भी कई जगह बोल रहे मैं जितना किया इतना तो आप सोचो भी मत, उसी सामान्य भी तुम करो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं जो किया उसके अंदर अंश ही काम करो, उससे भी आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। वन डे ड्यूरिंग दिस पीरियड माथुर वॉज ओवरवेल्म्ड बाई अनएक्सपेक्टेडली सीइंग इन द मास्टर ए वंडरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन मदर्स केस, क्योंकि माथुर बाबू भी ठाकुर का बहुत उन्होंने सेवा किया, पहले से उनका पहले से देखा, तब से उस समय से सबसे ठाकुर के प्रति बहुत ही उनका एक आकर्षण आ गया था। पहले बार जब देखा वो शिव जी के मूर्ति बना रहे हैं, उसी से हाँ ये कोई साधक थे, देखो गुंडा था, जमींदार, बदमाश, खून खराबी करता था, लेकिन उसका दिमाग भी, समझने की क्षमता भी था, उसको देख ही समझ लिया उस साधारण कोई नहीं। इसलिए उन्होंने बोला वो पूजा करे तो माँ जग जाए, हमने कहता कोई कोई पुरानी किताबें पढ़ते हैं ना, एक दल डाकू था, उनका ऐसे कोई माँ काली उसके पास जाके बलि देते थे, लेकिन खूब माँ के विश्वास करते थे, वहाँ जाके प्रणाम प्रणाम करके लूटने के लिए निकलते थे, वो इतना था उनका माथुर भी, और कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कोई बड़े व्यक्ति का, अभी सिर्फ आप देखते हैं ना ये हाल, अब अभी भी दुनिया में बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला धनी है, बहुत ब्लैक मार्केटिंग करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन कोई ना कोई संत के पकड़ के रखता है, उसके पास चल जाता है सबको एक एस्केप रूट चाहिए ना, वहाँ जाता है, वहाँ जाके सब उगालता है, उनका सब बोल देता है, ठीक है ठीक है देखो ऐसा। सो माथुर भी वो देखा, बाद में विस्तार रूप से दूसरी जगह पे उसकी चर्चा करेंगे। एक दिन उन्होंने वहाँ दूसरी साइड पे वो दक्षिणेश्वर में जहाँ कुटी भाड़ी कहते हैं वही मकान में वो खड़े होके देख रहे थे ठाकुर मंदिर का एक वरांदा में, एक तरह से दूसरी साइड जा रहे हैं, एक साइड में जा रहे हैं दिख रहा स्वयं माँ काली जा रहे हैं, वापस ही आ रहे हैं शिव जी आ रहे हैं,
इतनी बार आप साफ करके दे रहे, क्या देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ, हमेशा उनकी देख रहा हूँ। एक सरद के माँ काली एक तरह शिव जाके एकदम पैर पे लूट पड़ा, पकड़ लिया, मैं समझ लिया आप कौन है। उस समय से उसका ऐसा विश्वास आ गया, मान लीजिए आप ऐसे कोई देखेंगे, ये तो कोई दूसरा कोई बोला ये महापुरुष है अच्छे साधु है, ऐसा नहीं है, खुद ही देखा, अपना आँख से देखा, कितनी बार देख रहे हैं वही है। हम देखा ऐसा कुछ नहीं है, ठाकुर तो उसको कुछ बोलने नहीं दिया, लेकिन वो समझ गया ये क्या है। उसी से वो इतना उनका ये हो गया, सा शिवान काली एंड देन वर्शिप्ड हिम एज ए लिविंग गॉड। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन ए डिवाइन पावर फोर्स्ड मातृ टू सी द मास्टर फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड लुक आफ्टर हिम विद फेथ एंड डिवोशन। क्योंकि उसका तो ठाकुर तो जैसे वैसे किसी के पास, देखो कि हजार कंडीशन है, ऐसे तो साधु है, कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं, इनकम नहीं है, लेकिन उनका तो कुछ चीज़ जरूर था, कुछ मिनिमम कुछ ऐसे कुछ, इन्हें सब कुछ खाना नहीं ले पाते थे, उनका बहुत पेट हमेशा ख़राब था, उसलिए उसका कुछ है, जो भी व्यवस्था है उनका देखभाल करने, कई बार जो भक्त लोग आते थे उनका कुछ करना था, किसका बोलो, मातुर का वो बोलते हैं मेरा एक रसदार है, वो मेरा सब देने वाला है, माँ मेरे के लिए तीन ऐसे कोई निर्णय किया था, उसके अंदर मातुर बाबू एक है। इसलिए मातुर का उन्हें पहले ऐसा कोई दर्शन प्रश्न दिया ताकि उनका अपनाया, उस दिन से वो अनन्य भक्त बन के जो है ठाकुर मुँह से निकल रहा है उसका करना है, उनका एकमात्र मानते थे। और इतना तक नहीं है, एक बार कहाँ कुछ कोई जमीन जमींदारी में कुछ लड़ाई पड़े कुछ हुआ लग गया, किसी को खत्म कर दिया था, आके बाबा बचाओ ऐसे करके ठाकुर के पास आके ठाकुर बोला तुमने तो किया ठीक है इस बार ठीक है, ऐसे उनका माफ किया, उसी से उनका कुछ पुलिस नहीं पकड़ा, उतार गया उसी से। उनका देहांत की बात भी ठाकुर के बारे में कुछ कहा, वो कुछ ये है अगला जन्म में वो ऐसा कोई उनकी जन्म लेगा, क्योंकि वो तो बहुत सेवा भी किया इसका, इसलिए उनका कुछ पुण्य फल तो है जीवन में। इट इज एविडेंट फ्रॉम दिस अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट दैट द डिवाइन मदर हैड बाउंड देम टुगेदर विद अ कॉर्ड ऑफ लव, बिकॉज हेंसफोर्थ The master needed Mathur's assistance and service to continue his spiritual journey. क्योंकि बाद में अगले चैप्टर में हम देखेंगे भैरव भामनी तक्षशिला में आने वाली है। सो तंत्र साधना करवाया ठाकुर का बहुत तरीका, जितना 64 तंत्र के अंदर जितनी प्रकार साधना है सब करवाई ठाकुर के देखे, लेकिन उसके लिए बहुत सारे सामग्री लिखता था, अंतर साधना के लिए बहुत सारी सामग्री की जरूरत है, कौन देगा, तो है उनका मातुर बाबू बोलते ही सब आ जाता था। सो ही नीडेड मातुर बाबू मोर फॉर हिज साधना। आप थोड़ा भी कभी भी मन में कुछ एक ऐसा कोई सिंपल थॉट, वो भी वो पूर्ण करते थे, क्योंकि एक बार अच्छा ऐसे मान लीजिए बच्चे की तरह आया में बहुत एक बहुत कॉस्टली शाल पहनूंगा, और उस समय ठाकुर वो तंबाकू सेवन करते थे क्या, गुलगुला करके देयर वाज अ आई थिंक व्हाट यू कॉल इट इट्स अ इस हां हुक्का, सीधा स्मोकिंग नहीं होता था, बहुत ही बड़े लोग ऐसे करते थे, एक इसके अंदर पात्र के अंदर वो नीचे आग लगा देते थे, वो पानी की मध्य में आता था ताकि उसका कोई खराब कुछ इफेक्ट नहीं होता था। ठाकुर भी वो कभी कभी लिया होगा, तो ऐसे कोई कोई चांदी के ऐसे कोई हुक्का के मैं ये करूँगा, बस अगले दिन आ गया 1000 रुपये का शाल, अरे शाल ठाकुर एक बार पहना देखा, ओ इसका नाम ऐसी कॉस्टली शाल है, तुरंत फेंक दिया, थूकने लगा, पैर से दबाने लगा,
मातृ बाबू जल्दी से किसी को बुकिंग उठा के ले गए तो 1000 रुपया है उस दिन का, 1000 देखिए आज 10 लाख होगा। इतना ऐसे कोई क्या मटेरियल मालूम नहीं है, लेकिन बहुत ही कॉस्टली शॉल लेके आए। अब ऐसे उका से भी तंबाकू लिया, बस छोड़ दिया। सो इसने बहुत सारे ठाकुर उनके माध्यम में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, कुछ जो साधना की जो सामग्री की जरूरत था सब माथुर जुटाते थे। समाव ही यूज्ड टू सप्लाई वॉट एवर श्री रामकृष्ण वांटेड। कहा उनके साथ तीर्थ में निकला, जो पहले गए देवघर, देवघर जो एक बहुत सुंदर एक शिव मंदिर है, वहाँ जाके आपको देखा वहाँ का जो सांताल कोई उन लोग का ना बहुत इनसे अनाहार है, बहुत ही जूझ रहे थे, देवर इन वेरी बैड शेप, क्योंकि वहाँ बहुत इनसे प्रसाद सर नहीं होता था, इसी कारण से देवर इन टेरिबल पॉवर्टी। ठाकुर क्या क्या उनके बोला इन लोग का सब अच्छे से देखो व्यवस्था करो, सब अच्छे से नहाएंगे धोएंगे, उनका नया कपड़ा दो, अच्छा खिलाओ। वो बोला बाबा हम लोग को तो अभी तीर्थ में जा रहे हैं, बहुत खर्च है। ओ ठीक है तुम जाओ, मैं इन लोगों के साथ बैठता हूँ। उनके जाकर अंदर बैठ गया। फिर क्या मतलब क्या करेंगे, सबको नहाने के लिए सब व्यवस्था किया, अच्छा कपड़ा दिया, भोजन करवाया, फिर बोला अभी चलो। इसलिए जो बोलते थे ठाकुर बस करना ही पड़ता था, करते भी। श्री वाइट वेरी वेरी वंडरफुल पार्ट टू प्ले इन दिस लीला ऑफ श्री रामकृष्ण। आप देखेंगे जितने व्यक्ति इसके अंदर हम लोग देख पाएंगे, सबको एक विशेष विशेष कारण से ठाकुर का जीवन के साथ जोड़ा होगा। हर एक चरित्र के अंदर आप देख पाएंगे कोई विशेष विशेषता जिसके माध्यम में वो प्रसिद्ध हुआ, और आप देख पाएंगे ठाकुर का जीवन में उसका क्या था, किस कारण से उन्होंने ठाकुर का जीवन के साथ जोड़ दिए। यू विल अंडरस्टैंड इफ यू वेरी ऑब्जर्व क्लियरली लाइक दैट। सी माथुर बाबू जैसे भी ये भी एक ये है, ठाकुर के पास सिर्फ ऐसे बड़े बड़े जो बात जो महान बनने वाले साधक उनसे सिर्फ इतने लोग आया नहीं है, जैसे स्वामी जी भी आया, लाठू महाराज भी आए, और माथुर बाबू भी आया, साधना पाधना कुछ नहीं कर पाता था ऐसा। इतना नहीं एक बार बोला ठाकुर का, अच्छा आप तो हमेशा ऐसे भाव में रहते हैं, मेरा भी करवा। वो तो सब कुछ दे रहा है ठाकुर का, ठाकुर उसके बाद मानना है, वो तो सप्लायर ऑफ ऑल हिज नीड्स, उनका तो वो तो उनका भंडार से सब आता था। बोला नहीं आप तो हमेशा ऐसे दिव्य भाव में रहते हैं, मेरा भी ऐसे कुछ करो। बस ठाकुर तो उनको स्पर्श किया, ऐसा हो गया वो तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे तुरंत। वो एक दिन या दो दिन इधर, नहीं नहीं बाबा आप वापस ले लो, ये मेरी लायक नहीं है, ये आपके लिए, मैं आपका सेवा करूँगा। एकदम संपूर्ण रूप से वो सरेंडर कर दिया। बोले नहीं नहीं मेरा लायक नहीं है, मेरा तो जमींदार है, जमींदारी है, मेरा देखना है, इस पर बहुत कुछ करना है, एस्टेट देखना है, वो सब मेरा नहीं हो पाएगा क्योंकि सब बर्बाद हो जाएगा एक दिन में। आप देखेंगे इसलिए क्यों संसार लोग क्यों इतना डरते हैं। आप भी जोरा मंदिर में दो चार दिन हर रोज आने लगे तो घर वाला बहुत कबल है, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा ऐसा, क्योंकि ये क्या ज़्यादा हो तो पागल पागल हो जाए, क्या करेगा, संसार तो बर्बाद हो जाएगा, सबको डर है ज़्यादा होने में संसार तो होगा ही ऐसा। तो बोला नहीं नहीं बाबा आप ले लो, ये आप ही लायक है, मैं आपकी सेवक हूँ, साथ में रहूँगा, इतना ही बोल दिया। सो मी बिकम मास्टर नीडेड माथुर्स असिस्टेंट एंड सर्विस टू कंटिन्यू हिज स्पिरिचुअल जर्नी। वी बिकम ऑस्ट्रक व्हेन इन इवेंट्स लाइक दिस वी फाइंड प्रूफ ऑफ द ग्रेट केयर एंड वंडरफुल मीन्स द डिवाइन मदर एम्प्लॉयड टू स्ट्रेंथन द मास्टर्स बॉडी एंड माइंड सो दैट दे कुड सर्व एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लिविंग स्पिरिचुअलिटी टू काउंटरैक्ट द एग्नोस्टिसिज्म मटेरियलिज्म एंड एथीइज्म ऑफ द प्रेजेंट एज। सो आप भी देखेंगे तो ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं के माध्यम में इस सबका कैसे माँ की व्यवस्था, ताकि ठाकुर थोड़ा भी संभव हो तो स्वस्थ रहें, टिक रहें और अपना साधन पथ पे
आगे चले। तो ये हो गया। नेक्स्ट वी टेक अप द टॉपिक अराइवल ऑफ भैरवी ब्राह्मणी। एक ठाकुर का जीवन में आप देखेंगे ये क्या है, बहुत बड़े 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 ऐसे साधक, क्योंकि ठाकुर तो कोई किताब नहीं पढ़ा, किसी से ऐसे कोई उनका गुरु फुरु बोलने के लायक कोई नहीं था। एक दिन आराम भट्टाचार्य जब उनकी माँ के मंदिर में पूजा करना था, वो में उनका इतना तक तो जरूर था कोई दीक्षित होना चाहिए तब पूजा कर पाते थे, उस तरह उनका उन्होंने कोई माँ काली का मंत्र पत्र कुछ दिया होगा, पर वो भी उसके बाद तो उनके साथ कोई संपर्क भी नहीं था। लेकिन बाद में कितनी तरह साधना है, सब को उनका करके दिखाना था, विभिन्न पथ पे सब जा रहे हैं, सब अंत में एक ही जगह पे पहुँचे। तो इन्हें यू एंड आई से जिन लगा कुछ नहीं किया, इसकी बातें में क्या विश्वास कौन करेंगे? आपका दिमाग थोड़ा शार्प है, अभी इधर उधर किताब पढ़ लिया आप तो बोल रहे हैं, लेकिन ठाकुर का जीवन ऐसे नहीं है। हर चीज़ खुद ही साधना किया, साधन के माध्यम में जो उनका रिवेलेशन जो हुआ, अनुभूतियाँ जो हुई, वही उन्होंने सबको सामने प्रकट किया। इसलिए ठाकुर का हर तरीका साधन, क्योंकि आप पूर्व कोई अवतार की जो बात भी आप कहें, चैतन्य महाप्रभु की प्रोपगेटेड दी भक्ति पथ, भक्ति पथ में कैसे आगे चलना, भगवान के कैसे पाना। लेकिन आप ठाकुर के जीवन में देखेंगे ज्ञान भक्ति योग सब कुछ का समन्वय, इसे उनका हर तरीका साधन की जरूरत है। लेकिन साधना कैसे करें, वो तो कोई किताब भी नहीं पढ़ा कोई भी नहीं है, इसलिए समय समय पर माँ उनका जीवन में जिस समय में जिस तरीके साधना की जरूरत था उसी तरह उनके सामने किसी को गुरु के भेज देते थे। सो वन बाय वन दे ऑल केम, बैरली केम, देन जटाधरी केम, तोतापुरी केम, सो ऑल ऑफ देम केम टू सप्लाई समथिंग अदर इन रामकृष्ण लाइफ, जिसके माध्यम में वो साधन करके उस पथ पे बहुत उच्च अवस्था में उन्होंने पहुंचा। लेकिन एवरी टीचर अल्टीमेटली गॉट देयर ओन लाइफ फुलफिल्ड टू श्रीकृष्ण, जो उनका शिक्षा देने के लिए आए थे सब पूरी तरह शिक्षित होके वहाँ से निकाले। भैरवी ब्राह्मणी तो बहुत अच्छी थी, तंत्र साधना करवाया, बहुत तरीका वैष्णव धर्म की साधन कभी करवाई, लेकिन वो इतना गुस्सा करती थी, क्रोधित होती थी, बहुत कुछ उनका कोई सम्मान नहीं पता था, एंड शी वाज सो पोसेसिव ऑफ श्री रामकृष्ण। वो मेरे ये बात सुनेगा मेरे साथ ही, माँ के भी बहुत डांटती थी, क्या करते हो तुम ऐसे ऐसे, माँ तो बहुत डरते थे ऐसे क्या करेगा वो। सो शी वाज वेरी मच अफ्रेड, बस इतना इतना हम्बल, सो एंड सेड डोंट डू एनी अदर साधना, वेदांत वेदांत ठीक नहीं है, ऐसे बोलते थे। सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम श्री रामकृष्ण टू एडवाइस है, वो खुद का सब समझ लिया, वहाँ से वो बनारस जाके वहाँ खूब तपस्या करने लगे। शी केम टू टीच श्री रामकृष्ण बट अल्टीमेटली शी लेफ्ट बिकॉज समथिंग दैट वॉज लैकिंग इन ओवर लाइफ, इन हर ओन लाइफ वॉज फुलफिल्ड टू श्री रामकृष्ण। उनका साधन में जो कमतियाँ थी, वॉट वॉज लैकिंग, that she got fulfilled to Sri Ramakrishna. Really, if you see the life of Totapuri also like that, they were Advaita sadhak the. Sandhya samay mein sab Thakur to khate hain, sandhya hone mein aap taali baja ke Bhagwan ke naam lena. To vidhan sadhana kiya, lekin Thakur to apna sanskar ke anusar har roz aise karte the. Ye kya aap roti tokte hain, kya karte ho? Aise hi bolta tha. अरे मैं तो भगवान के नाम ले रहा हूँ, ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन वही तोतापुरी उनका ऐसा इतना 40 साल ऐसे कोई ज्ञान में प्रतिष्ठित साधु, बहुत ही कठोर साधु का लोहे की तरह चेहरा, वो ऐसा बीमार, ऐसा पेट की दर्द पकड़ा, किसी वक्त नहीं जा रहा है। जितना भी हो वो तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, जितना बोलो लेकिन काम भी नहीं आ रहा है,
मन वही ज्ञान में लगा नहीं पा रहे, इतना पीड़ा दे रहा है। ठीक है, एक रात ऐसे किया, मैं आज गंगा जी में जल समाधि प्राप्त कर लूँ। क्योंकि वो जानते हैं, वो पहले तो उनको ज्ञान हो चुका है, वो जानते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर एक विडम्बना है। उनका जीवन में किसी को ऐसे कोई शिक्षा देना था जिस कारण से वो दक्षिणेश्वर आया था, वो तो मेरा काम हो गया। मैं अभी क्या है, रहना नहीं रहना कुछ फर्क नहीं है, ये शरीर जब तक मेरा सहायता करता है, मेरा साथ देता है, ठीक है, जब बिगड़ता है बस छोड़ दो शरीर, आज ही छोड़ दो। ऐसे करके रात गंगा जी में उतारा, जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे गंगा जी में, अभी का गंगा जी नहीं, उस समय तो बहुत पानी था, अभी तो हम लोग सब तोतापुरी होके गंगा जी में पैदल दक्षिणेश्वर में पार कर सकते हैं, क्योंकि इतना वहाँ इतना सीट वहाँ डिपॉजिट हो गया, कुछ दिन के बाद गंगा जी नहीं रहेगा लग रहा है, वहाँ से रास्ता बन जाए, मोटर रास्ता बन जाएगा गंगा जी के बीच में, लेकिन उस समय बहुत पानी भी था। तो जा रहे नहीं डूब रहे, सारा रात पैदल में जाके दूसरा वही तट पे उन्होंने वहाँ से ऊपर उठा, देख रहे आलू हो गया, लेकिन सारा रात करके भी डूबा नहीं। उस समय वो उनका समझ लिया, मैं माँ के नहीं माना, इसलिए मेरा इसके माध्यम में एक शिक्षा मेरा प्राप्त करना था। तो वापस आके एकदम माँ के साष्टांग प्रणाम किया, और माँ की क्या भूमिका है ना क्या है अद्वैत ज्ञान के अंदर, क्योंकि अद्वैत के अंदर ऐसे ही एक इसी ठाकुर का जीवन का अद्भुत एक समन्वय ना, साधारण जो अद्वैत का ज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं वो उसके मानते हैं, कोई ऐसे कोई भगवान का एक कोई नाम का रूप का ऐसे भगवान का वो नहीं मानते हैं, लेकिन ठाकुर ये भी मानता था, अद्वैत साधन में भी प्रतिष्ठित है, अद्भुत ठाकुर का जीवन में ये दोनों का समन्वय, वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी एक सीखने की बात है। लेकिन उस समय से तोतापुरी उनका विसर घमंड चला गया, मैं अद्वैत ज्ञानी हूँ, वो जानते थे जैसे अद्वैत की एक जगह है उसी तरह द्वैत की माँ का भी एक जगह है, बहुत सारे लोग की इसी से मदद मिल रहे हैं, उनका ऊर्जा मिल रही, साधन करने के मौका मिल रहे हैं, जैसे जैसे जिसका जो पद वो सारे कुछ उन्होंने समझ लिया था। और उसके बाद आई थिंक उस समय वो जानते थे हाँ मेरा अभी यहाँ से जाने के समय आ गया, ठाकुर के बोल के वो विदा लेके चले गए। तो उनका जीवन में ठाकुर के तो वो वेदांत साधन शिक्षा देने के लिए आए थे, ठाकुर तो कुछ नहीं जानता था अद्वैत साधने के बाद, जब भी उन्हें बोला तुम अद्वैत साधना करोगे ये क्या है, नहीं वो करना है ठीक है करो, तब माँ के पूछ के आऊँ, वो सब सोचा कोई उनका कोई अपना माँ होगा जाओ जाओ, लेकिन वो तो उनका एक ही माँ जानते थे, इसलिए वो पूछ के आया, नहीं जानते थे, लेकिन जैसे उन्होंने समझाया इतना कम समय में समझ लिए, वो खुद ही चकित हो गए, ऐसे को हो सकता है क्या, मेरा जो 40 साल लगा ये 3 दिन के अंदर प्राप्त कर ली, ऐसे उन्होंने चकित हो गए। लेकिन उसके बाद में भी इतना अद्वैत ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी वो वापस आके हमेशा एक माँ पर निर्भर एक बालक, ऐसे उनकी सारा जीवन खुद का ही पहचान वही दे, मैं कौन हूँ, मैं तो हमेशा माँ पर निर्भर एक बालक हूँ, संतान हूँ माँ का, वही उनका अद्भुत एक जीवन में ये दोनों को कैसे एक साथ अब संभाल पाएंगे। एक तरह जीवन का जो चरम लक्ष्य बा सत्य है, जो एकत्र जो अद्वैत है चैतन्य है, दूसरा कुछ नहीं है, यही ज्ञान है यही समझ है, लेकिन आपका कैसे किस जगह पे आप माँ की वहाँ ले आएंगे, माँ के कैसे मानेंगे, इसे हम लोग ठाकुर का जीवन के माध्यम में समझ पाएंगे।